आपने अपने जीवन में चोरी के अनगिनत मामले देखे होंगे, लेकिन यूपी के गाजियाबाद जिले में एक ऐसा चोर पकड़ा गया है जो चोरी तो करता था लेकिन समाज के हित के लिए चोरी करता था। यह चोर इतना सातिर और टेक्निकल था कि यह केवल उन्हीं पैसों पर हाथ डालता था जो काला धन हो, और चोर के खिलाफ कोई मुकदमा, कोई एफआईआर, कोई कंप्लेन भी दर्ज न करा सके। यूँ कहे तो 30 मार खान में अक्षय कुमार के जैसे या फिर किक फिल्म की सलमान खान के स्टाइल में चोर चोरी के वारदात को अंजाम देता था। पूरी घटना हम आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम तबारक है और आप लोग सच 22 बिहार देख रहे हैं। दरअसल ये मामला गाजियाबाद का है, जहां एक 22 साल का नौजवान लड़का फिल्मी अंदाज में चोरी को अंजाम देता था। भ्रष्टाचार व मंत्रियों को लूटकर गरीब बच्चे के इलाज में पैसा खर्च करता था, गरीब घर की बेटियों की शादी करवाता था, लेकिन देखते ही देखते गांव के कुछ लोगों की आंखों में ये लड़का खटकना शुरू हो गया और स्थानीय प्रशासन को भी इनके कारनामे की भनक लगने लगी, जिसके बाद अपराधी इरफान उर्फ उजाले को कवीनगर थाने पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी इरफान ने कबूल किया कि इसकी पत्नी बिहार के एक जिले में नगर पंचायत अध्यक्ष है और यह अलग अलग राज्यों में चोरी किया करता था। यह उन राज्यों में उन जगह पर चोरी किया करता था जहां पर या तो ब्लैक मनी हुआ करता था या मंत्री विधायक के द्वारा ब्लैक मनी पर अपना हाथ साफ करता था, ताकि इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट, कोई मुकदमा, कोई एफआईआर कोई ना करा सके। इतना ही नहीं, उसने बताया कि चोरी किए हुए पैसों से वह अपने गांव के विकास के कार्यों में खर्च करता था। गांव में रोड लाइट लगवाना हो या सोलर लाइट, ये सभी ज़रूरतें उन्हीं पैसों से पूरी करता था। चोरी के पैसों से वह गरीब परिवार की लड़कियों की शादी करवाता था, गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करता था। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अलग अलग राज्य में चोरी के लगभग 26 मुकदमे इरफान उर्फ उजाले पर दर्ज है, वहीं आज कवीनगर थाना पुलिस ने इन्हें गैंगस्टर एक्ट में वंचित चलते हुए गिरफ्तार किया है। इरफान उर्फ उजाले को रॉबिन हुड भी कहा जाता है।